हेलो फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग हेयर वेयर वी विल बी ऑपरेटिंग अ बाइनरी ऑपरेटर प्लस। सो बाइनरी प्लस ऑपरेटर इज एन अर्थमेटिक ऑपरेटर विच इज़ यूजली यूज टू ऐड टू नंबर्स, बट इन दिस एग्जांपल वी विल ट्राई टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास नेम कॉम्प्लेक्स। सो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ टू पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी। So same we have done real and imaginary, and in the public section of the class हमने यहाँ पर एक constructor बना दिया है complex का। So complex and जो constructor है वो एक parameterized constructor है। So parameterized constructor के लिए हमने दे दिया int r, starting value दे दी 0, अगर by chance user कोई value नहीं देता है i, starting value 0। After this इसके अंदर हमारे पास एक simple सा functionality और आती है, वही आती है कि जो भी वैल्यू यूज़र पास करेगा रियल वाली पार्ट की रियल को और इमेजिनरी वाली पार्ट की इमेजिनरी को असाइन हो जाएगी। आफ्टर दिस अगेन हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन लिखा। रिटर्न टाइप में हमारा है कॉम्प्लेक्स और ऑपरेटर, और जो ऑपरेटर हम ओवरलोड कर रहे हैं वो है प्लस, जिस ऑपरेटर के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे। आफ्टर दिस अब हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का एक लोकल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो लेट से C3। ये C3 हमें हेल्प करेगा उन दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कराने में जो हमें एज अ पैरामीटर यहाँ भेजी जाएंगी। सो कॉम्प्लेक्स C3 का जो रियल पार्ट है रियल प्लस ऑब्जेक्ट 1 का रियल। अब ये स्टेटमेंट क्या शो करती है बेसिकली कि जो हमने लोकल ऑब्जेक्ट बनाई है सी कॉम्प्लेक्स क्लास की वो हमारे लिए रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर रही है ऑफ दोज टू ऑब्जेक्ट्स जो हमने मेन में से इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन को कॉल करते हुए बुलाई। सो दिस इज इट। सो हेयर वी हैव अनदर फंक्शन से वॉइड डिस्प्ले, एंड इनसाइड द डिस्प्ले फंक्शन हम सिंपल सी आउट रखते हैं, सी आउट। सो व्हाट वी हैव हेयर इज हमने कॉम्प्लेक्स क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए से O1 जिसमें वैल्यू दे दी हमने 2,3, और हमने साथ ही में एक और ऑब्जेक्ट बनाया है O2 जिसमें वैल्यू हमने दी है 4,5। सो नाउ हमने यहीं पे लोकली कॉम्प्लेक्स O3 एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर O1 प्लस O2 की वैल्यूज को डाल दिया। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट टेल्स यू अबाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग बिकॉज प्लस ऑपरेटर यूजली दो नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज होता है, बट यहाँ पर हमने उसे यूज़ किया है दो ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए। इसके बाद O3 डॉट डिस्प्ले। सो लेट्स बिल्ड आर प्रोग्राम। सो इट इज़ शोइंग 0 एरर एंड 0 वार्निंग व्हेन वी रन आर प्रोग्राम। सो वी कैन सी हेयर the two objects have been added and the addition has been displayed. 2 plus 4 gives you 6, which is the real part. 3 plus 5 is the imaginary part, giving you output as 8. So the resultant complex number is 6 plus iota 8. So this way we can overload any binary operator that includes minus, multiply, divide and many others. So that's it for this video. Hope you liked the video. Please subscribe to the channel and hit the like button. Thank you.